जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दौलतपुरा थाना प्रभारी मनीष कुमार शर्मा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने अवैध शराब की पेटियों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। चिप्स के कार्टूनों के नीचे शराब की पेटियां रखी गई थी और करीब 70 लाख रुपए अवैध शराब की कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब से गुजरात जानी थी अवैध शराब, लेकिन पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? आइए देखिए, जो शराब का ट्रक है ये पंजाब से गुजरात का मतलब था, चूंकि गुजरात के अंदर शराब बैन है, ऐसे में पंजाब से सस्ती दर पर शराब लेकर अवैध शराब जो है गुजरात पहुंचा थे ट्रक्टर। लेकिन इस बार पुलिस ने कोई मौका नहीं दिया, चूंकि शराब के चिप्स की जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनके नीचे शराब रखी गई थी, लेकिन इस बार पूरे चिप्स के जो पैकेट है उतारे गए, चेक किए गए तो 70 लाख रुपए की शराब उसके अंदर ट्रक के अंदर थी। फिलहाल दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, शराब जब्त कर ली गई है और अभी पता लगाया जा रहा है शराब क्यों से बड़े मगरमच्छ से लाई गई थी, जिससे कि वहां की पुलिस को सूचना दी जा सके, जो मुख्य तस्कर है उसके खिलाफ भी सकारात्मक कार्रवाई हो सके। आयुषी, अच्छा सत्यनारायण, क्या पुलिस प्रशासन को कोई इनपुट मिला था जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जितने भी हाईवे के थाने हैं वहां पर जो बीच कॉन्स्टेबलरी है वो काफी मजबूत रहती है, कॉन्स्टेबल पता रहता है कि कौन से ट्रक के अंदर क्या सामान आ सकता है, क्योंकि लगातार जो मुखबिर होते हैं उधर के वो एक्टिव रहते हैं, तो वो मुखबिर समय समय पर इस सूचना को उसको देते रहते हैं, जिससे कि अवैध शराब तस्करी को रोका जा सके और यही मुखबिर का काम होता है। सूचना मिलती है पुलिस को, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। जैसे सूचना मिली पुलिस ने दबिश दी और ट्रक को रुकवा कर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर शराब बरामद की, तो आगे भी जो कार्रवाई है आयुषी जारी रहेगी। और देखिए सत्यनारायण, बड़ी बात यह है कि 70 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है, यानी कि जाहिर सी बात है कि पहली बार तो ट्रक इस तरह से नहीं जा रहा होगा, इससे पहले भी इनके द्वारा तस्करी की गई होगी, उसको लेकर भी क्या लग रहा है, पूछताछ में कोई खुलासे होंगे अभी? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में सामने आएगी, पहले भी वो कई बार किसी प्रकार से जो ऊपर चाहे टॉफियों के पैकेट हो चाहे चिप्स के पैकेट हो वो रखे नीचे शराब की पेटें रख सके कई बार तस्करी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल जो कितने हैं कि इस बार पुलिस ने उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि मुखबिर पक्का था, सूचना पक्की थी और उसी सूचना की पुष्टि करते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल टीम का गठन किया गया, टीम को रवाना किया जाएगा पंजाब से ले, जिससे कि जो मुख्य तस्कर है उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।